शुक्र है दुआएं आपकी। आप सुनाएं कैसे हो, ठीक ठाक हो? माशाल्लाह इस बार आपने सफेद कुर्ते पहनी हुई है, रमजान के मुबारक का महीना है, अगर ख्याल से तरह से आएगा। जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ और तरावी भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ रमजान शरीफ का महीना है, अल्लाह ताला का मुबारक महीना है। इसमें हर इंसान को चाहिए वो जो है ना, खास करके फालतू टाइम गुजारने से बेहतर है आदमी जो ना कुछ टाइम जो ना जिक्र अस्कार में और गुजार दे, इबादत में वक्त गुजारे तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस महीने के हवाले से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो भाई आप लोग इस मुबारक महीने से जितना भी वक्त है इस वक्त को कीमती आप बनाएं। इसकी ये टाइम जो पल जो गुजरे हुए हैं ये वापस नहीं आ सकते। हम खुश हैं जो रमज़ान का महीना है जो गुजर रहा है, लेकिन ये जितने भी आयाम गुजर रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी के आयाम जो ना कट रहे हैं, और इसको हम अगर कीमती बनाएं तो हमारी आखिरत भी इसमें अच्छी हो सकती है और दुनिया भी हमारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। आप कहने का मतलब ये है कि जिंदगी एक बहुत मुहिम है, बहुत खास है, कीमती है, इसको हम लोग यानी अच्छे कामों में, इबादात में और यानी तस्बीहात वगैरह में हम लोग गुजारें। बेशक यही बात है, मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए है, तो हम फालतू टाइम गुजारने के लिए भी साल में फिर एक ही महीना है, हम मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना मुबारक महीना आता है, तो हम लोग यहाँ पे इधर उधर बैठने से अच्छा है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कम से कम तरावे और कुरान शरीफ की इबादत करें, तो इसमें हमारा ये महीना इसी तरह मुबारक में चीज़ों में गुजर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बहुत आला, बहुत आला। उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो रमज़ान के मुबारक महीने में रात को मैंने पहले ही आपको यही कहा, ये एक्टिविटियाँ जो हैं ये फालतू है बिल्कुल, ये हमारे ज़िंदगी के आयाम है, हम इसको बेहतर अच्छे तरीके से गुजारें। एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हा, मुसलमान है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो है ना अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ है, हम जो है ना इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ये हमारे लिए जो है हमारी ज़िंदगी का समझो एक पैकेज है। जिस तरह हम आम पैकेजों में लोग जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे आप जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो, खेल होता है, हर चीज़ फेस्टिवल, हर बंदा कोशिश करता है चलो भाई मैं खेल में जो हिस्सा ले लूँ। रमज़ान का महीना भी इसी तरह है और इनसे बरकर है, इबादत का महीना है, इसमें हम जो है ना अच्छा वक्त इबादत में गुजारे, फालतू इधर उधर बैठने से बेहतर है जो हम अपना वक्त इबादत में गुजारें। थैंक यू सो मच, आपने हमें हेल्प दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। मेहरबानी, वेलकम।